चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो एक बार बताएंगे, आवाज़ क्लियर है, वीडियो दिख रहा है? ठीक। तो आज का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कल ही क्लास में हमने देखा था कि कैपेसिटेंस का डेफिनेशन देखा था, है ना। इट इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर और होल्ड द चार्ज। और यहाँ से पोटेंशियल हमने निकाला था, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर, एंड क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, सो क्यू इक्वल टू सी वी, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस, इट्स यूनिट इज फैराड और कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की अगर हम बात करें तो दिस कैन बी डिराइव एज 4 पाई एप्सिलॉन इन टू आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। बिकॉज वी नो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, एंड वॉट इज वी, वी वी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे क्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना, आर बाई के। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से कैपेसिटेंस को हम लोग ले सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन इन टू आर। तो इन केस ऑफ अर्थ, वन कैन एज्यूम द अर्थ टू बी स्फेरिकल। एज्यूम कर सकते हैं, पूरी तरीके से स्फेरिकल तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। एंड वी नो रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी अर्थ की, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर, दैट इज 711 माइक्रो फैरड, 711 माइक्रो फैरड। तो यहाँ से समझा जा सकता है कि 1 फैरड जो है काफ़ी लार्ज क्वान्टिटी है। ठीक है। देन द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इट इज अ डिवाइस यूज टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लाइक इन केस ऑफ टू कंडक्टर सिस्टम, लाइक इन केस ऑफ प्लेट्स, है ना। दो कंडक्टर्स हैं, यहाँ पे प्लस की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, या नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, वी ऑल नो। सो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन, इट इज स्टोरिंग द एनर्जी, ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है। ठीक है, दो पैरेलल प्लेट के बीच में। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ टू कंडक्टर सिस्टम, दिस इज सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो आगे का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं, दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज टू फाइनाइट पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेट्स सेपरेटेड बाय सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, अगर दो पैरेलल प्लेट को रखा जाए और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो दूरी है, उसे काफ़ी कम रखा जाए, है ना, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एरिया शुड बी इन सच अ वे दैट इट शुड बी ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन डिस्टेंस, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स एंड एरिया, एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट्स। क्लियर है? ठीक है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं कि हमारे पास दो फिनाइट पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, व्हिच इज सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, सच दैट इट्स एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट्स इज वेरी वेरी लार्ज देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर ऐसा हम अरेंजमेंट करेंगे, अगर ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, देन दीज टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दीज टू फाइनाइट प्लेट शुड बिहेव एज, शुड
behave as infinite plate. Should behave as infinite plate. ये infinite plate की तरह work करे, ठीक है? अगर कुछ इस तरह का arrangement हम कर दे कि area जो है plates का area जो है very large than the distance between the two plates, then two plate should behave as infinite plate. तो बिहेवियर जो होगा दो प्लेट का वो इनफिनाइट प्लेट की तरह बिहेव करेगा. क्लियर है? बताओ. ठीक. सपोज वी हैव टू प्लेट्स लाइक दिस. सपोज करो हमारे पास इस तरह का प्लेट्स का अरेंजमेंट है और इन दोनों प्लेट्स को हमने एक पैट्री से कनेक्ट किया हुआ है. एक पैट्री से कनेक्टेड. क्लियर है? बैटरी का मैग्नीट्यूड सपोज करो V है और सपोज करो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट. अच्छा, इस बैटरी के पोलैरिटी की वजह से है ना, यहाँ पे जो चार्ज डेवलपमेंट होगा पॉजिटिव का होगा या नेगेटिव का होगा? ठीक है, पॉजिटिव. तो यहाँ पे इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेवलप कर जाएगी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगी. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगी. ठीक है. अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करेगी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज. ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसा होगा? कैसा होना चाहिए बताओ? फाइन. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ई. सपोज करो ये जो प्लेट्स है, प्लेट्स का एरिया डिफाइन कर देते हैं, एरिया डिफाइन कर देते हैं. ये सपोज करो बी है, ये सपोज करो बी है, और ये सपोज करो ए. तो रेक्टेंगल है, अगर इसका डायमेंशन हमने डिफाइन किया हुआ है ए बी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बी हो जाएगा, है ना? क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बी हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज है, प्लस क्यू का चार्ज है, और यहाँ पे माइनस ऑफ क्यू का चार्ज, सेम चार्ज. अच्छा, एक एजप्शन यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा दिखा दिया. डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है, दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम होता है. अगर हम कंपेयर करें इसका एरिया से, तो एरिया इज वेरी मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक है, एरिया इज वेरी ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, सच दैट द प्लेट विल बिहेव लाइक ए इनफिनाइट सीट, सच दैट द प्लेट विल बिहेव लाइक ए इनफिनाइट प्लेट. क्लियर है? तो अरेंजमेंट ये है कि इसका जो एरिया है इज वेरी मच लार्जर देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, सही लगेगा. अब सही लग रहा होगा? चल,
नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज, डिस्टेंस है इनके बीच का कितना डिस्टेंस है, डी। ठीक, ठीक, चलो तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज डी। ठीक है, एरिया is very much greater than D. ये एजम्पशन सच दैट ये जो प्लेट है, प्लेट का बिहेवियर कैसा हो इनफिनाइट प्लेट की तरह, अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं, एरिया शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो एक्स एक्सिस पे ये लाइक कर रहा है, x इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये सपोज करो x एक्सिस में लाई कर रहा है, x एक्सिस, ये भी कभी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, एक चीज और है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो जाएगा ए इंटू बी। क्रॉस सेक्शनल एरिया शुड बी ए बी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अच्छा यहाँ के बाद हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पी पे। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये अरेंजमेंट हो गया, ये हमने बता दिया कि ये टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट है, जहाँ पे हमने वी वोल्ट का बैटरी लगाया हुआ है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है विच इज डी, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज वेरी मच लार्जर देन द डी, क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए बी। ठीक है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी। ठीक है, एट ए पॉइंट पी, और ये पी क्या है, पी डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू टी, फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू टी, कहीं भी एक पी पॉइंट लाई कर सकता है, और इस पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, तो कोई ये बता सकता है कि इनफिनाइट प्लेट की तरह ये बिहेव कर रहा, अब तो ये फाइनाइट नहीं रहा, फाइनाइट रहा क्या, नहीं रहा ना, अब तो ये फाइनाइट नहीं रहा ना, बोलो। ठीक है, अब ये इनफिनाइट प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पी पॉइंट पे कितना आता है, किसी को याद है क्या, प्लस क्यू माइनस क्यू, एरिया इज ए बी, ये भी अंडरस्टूड है। चलो अब इस पॉइंट पी पे सपोज करो ये पॉइंट पी यहाँ पे लाई कर रहा है, सपोज करो यहाँ पी पॉइंट लाई कर रहा है, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल है, दैट इज ए इक्वल टू ए बी, सेम चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। इस प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे कितना डेवलप होगा, और इस प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे कितना डेवलप होगा वो तुम्हें बताना है। और यहाँ पे सपोज करो सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट का होगा ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, दैट इज द रोएस, रोएस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, रोएस
यहाँ भी वही हो जाएगा, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज ए बी। नाउ पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कौन बताएगा? हाँ, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, माइनस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये इन्फिनाइट प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये इन्फिनाइट प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो सपोज करो इस डायरेक्शन में लाई करेगा ना प्लस क्यू के कारण, तो लेट अस सपोज दिस इज टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू प्लस चार्ज, ड्यू टू प्लस चार्ज, क्या बैकग्राउंड? हाँ, वो कुछ लोग हैं बात कर, ठीक है, ध्यान दो इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पी पॉइंट पे ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, ये कितना हो जाएगा? हाँ फाइन, परफेक्ट। क्यू अपॉन, क्यू अपॉन क्या होता है? हाँ, ए बी टू ए बी, सॉरी टू ए बी, आगे यही होता है, बोलो सही है। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, वन मिनट, अरे क्लास दे रहे हैं अभी, अमित बोल रहे हो? हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, क्लास दे रहे हैं, बात बात, चलो ठीक है, एक बार बताएंगे, आवाज़ क्लियर है? चलो, तो हम बात कर रहे थे कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा पी पॉइंट पे, वो होता है रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, यही होता है ना, रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, रो एस डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन, आई थिंक रो एस डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन, यही तो होता है, बोलो सही है अब, ठीक है। अब रो 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 एस की जगह में, रो एस की जगह में हम पुट कर सकते हैं क्यू अपॉन, क्यू अपॉन ए बी, क्यू अपॉन एरिया होता है ना, तो एरिया क्या ए बी है, ए इंटू बी, तो क्यू अपॉन ए बी हो गया, ठीक है। और ये एक्स डायरेक्शन में लाई करेगा, तो ए एक्स क्या डायरेक्शन के साथ। अच्छा अब ये बताओ, इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस माइनस के कारण, इस माइनस के कारण सेम डायरेक्शन में लाई करेगा या अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेगा? इस माइनस के कारण, अब देखो इस प्लस क्यू के कारण ई पी प्लस इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, इस माइनस क्यू के कारण भी तो इसी डायरेक्शन में लाई करेगा, ठीक है। दिस इज ई पी माइनस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस चार्ज, सही है। तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, क्योंकि प्लस क्यू के कारण आउटवर्ड रहेगा और ये माइनस चार्ज के कारण इनवर्ड रहेगा, तो दोनों का डायरेक्शन अल्टीमेटली सेम ही होगा ना, दोनों का डायरेक्शन अल्टीमेटली सेम ही होगा। तो वी कैन राइट ई पी माइनस एज, ई पी माइनस एज रो एस, रो एस कर दो, रो एस डिवाइडेड बाई, रो एस डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन, सही है, बोलो। इसका भी डायरेक्शन, हाँ इसका भी डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू अपॉन
क्यू अपॉन टू ए बी, क्यू अपॉन टू ए बी एप्सिलॉन ए एक्स है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा पी पॉइंट पे? ये तो सिंगल प्लेट के द्वारा मिला, रोएस डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन ए एक्स कैप। इस सिंगल प्लेट के द्वारा पी पॉइंट पे इस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा रोएस अपॉन टू एप्सिलॉन ए एक्स कैप। देन व्हाट शुड बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट पी? दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दिस इज द रिजल्टेंट, है ना, दिस इज द रिजल्टेंट नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों को ऐड कर लो, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? Q डिवाइडेड बाय ए बी एप्सिलॉन ए एक्स, ये ना आना चाहिए, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रो एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ए एक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इनफिनाइट प्लेट के द्वारा, इनफिनाइट प्लेट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है रोएस डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन, ये हमने कब किया था? बहुत पहले किया था, जब हम इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ रहे थे स्टार्टिंग के क्लासेस में, तो डिस्क के थ्रू करवाया था, रिंग के थ्रू करवाया था, याद है, इनफिनाइट डिस्क के थ्रू करवाया था। तो वहाँ हाँ, तो वो चीज़ जिसको समझ में आया होगा उसको यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हमने अगर इन्फिनाइट, ये तो फाइनाइट है लेकिन इसको हम इन्फिनाइट बना दिए। इन्फिनाइट कैसे बनाया? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बहुत ज़्यादा रखें एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अगर ऐसा है तो ये फाइनाइट प्लेट जो है इन्फिनाइट प्लेट की तरह बिहेव करेगा, एंड वी नो ड्यू टू इन्फिनाइट प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पी इज गिवन बाई रो एस डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो दोनों चार्ज के द्वारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, अब दोनों को ऐड कर दो, तो दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी, दैट इज रो एस बाय एप्सिलॉन इनटू ए एक्स कैप। सही है यहां तक? इट मीन्स वी हैव फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन पैरेलल प्लेट, बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, कैपेसिटर इज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू रो एस divided by epsilon ax cap. This can also be written as q upon ab epsilon ax cap. ठीक है, चलो। Now electric field क्या distance पे dependent है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने डिराइव किया यहाँ पे, क्या ये डिस्टेंस के डिपेंडेंट है? तो इट मीन्स डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट है। अगर हम चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकाल लो, इस दोनों प्लेट के बीच में कहीं भी निकाल लो, समथिंग लाइक यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, कहीं भी निकालो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम आने वाला है क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो एट द सेम टाइम वी कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज uniform because it is going almost constant at any point p inside the plate. Electric field is uniform between two plates, between two plates. ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, अब एक काम करते हैं पोटेंशियल भी निकाल लेते हैं, है ना, पोटेंशियल निकाल लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा तो पोटेंशियल भी निकल जाएगा, निकलेगा ना। पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, चलो।
इसको भी मेंशन कर लेते हैं। पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए वेरी टू फाइनाइट पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेट्स सेपरेटेड बाय वेरी शॉर्ट डिस्टेंस by very short distance. Next point क्या हो? Two finite plate should behave as infinite plate. Should behave as infinite plate, ठीक है, चल, the next heading will be potential difference between two plates. हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू प्लेट्स। तो कैसे निकालें, कोई आइडिया तो बताओ कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन टू प्लेट्स, कैसे निकालेंगे? हमारे पास फॉर्मूला है ना पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है ना हमारे पास, बोलो। ठीक है, तो दो पॉइंट को मेंशन यहाँ करते हैं। सपोज करो कहाँ बन गए वो डायग्राम, कहाँ गए? ठीक, यहाँ पे सपोज करो ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट। सपोज करो एक टेस्ट चार्ज को हम मूव करा रहे हैं। सपोज दैट वी आर मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। किसी भी पाथ में हम मूव करा सकते हैं, किसी भी पाथ में हम मूव करा सकते हैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? दैट इज बी बी माइनस बी ए, और इसको हम लोग लिखते हैं माइनस ए टू बी। हम मूव करें टेस्ट चार्ज को मूव करा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, ई एक्सटर्नल डॉट डी एल। ठीक, तो अब ए का डिस्टेंस कितना है? ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? बी ए बी है ना, बी ए बी। पोटेंशियल एट बी की बात करें तो बी किधर है देखो एक बार, बी नेगेटिव तरफ और ए पॉजिटिव तरफ है ना। चलो, तो बी माइनस माइनस बी प्लस, अब सही है ना। ए का डिस्टेंस कितना है? ए पॉइंट का डिस्टेंस हम जीरो से डी लेके चल रहे हैं, टेस्ट चार्ज मूव करा रहे हैं फ्रॉम जीरो टू डी। ठीक है, तो यहाँ पे डी एल क्या हो जाएगा? डी एक्स को रिप्रेजेंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, सपोज उसको हम मूव करा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ए का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू डी। ठीक है, सही है, बोलो यहाँ तक दिक्कत? एंड ठीक है, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे ले लो रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये तो है रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। तो ये कितना हो जाएगा? रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन।
इंटू डी एक्स, ठीक है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो ए एक्स कैप ले लो यहाँ पे, और यहाँ भी ए एक्स कैप ले लो, तो ए एक्स कैप वन हो जाएगा। चलो वी ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ये रो एस अपॉन एप्सिलॉन, उसे बाहर कर दो। अच्छा डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स होगा ना, और लिमिट पुट करो 0 टू डी, तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा, ठीक, माइनस ऑफ रो एस इंटू टी। चलो तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वी प्लस माइनस वी माइनस इक्वल टू रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इंटू डी, सही लिखे हैं बोलो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट, बिटवीन पॉइंट बी एन ए, बी एन ए कितना हो जाएगा, रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इंटू डी। तो यहां तक दिक्कत है किसी को तो बोलो। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इनटू टी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड रो एस बाई एप्सिलॉन, तो कुछ रिलेशन निकल रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों में कुछ रिलेशन आ रहा है, बोलो कोई रिलेशन आ रहा है दोनों के बीच। दोनों के बीच का कुछ रिलेशन दिख रहा है, दैट इज पी वी प्लस माइनस और पी माइनस इक्वल टू, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस रो एस अपॉन एप्सिलॉन की जगह में ई पुट कर सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ए इंटू डी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, लोग ये याद करते हैं बी इक्वल टू ई इंटू डी, तुम लोग को भी याद होगा पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, याद है कि नहीं, ठीक है। तो तुम लोग को ये याद रहता है वी इक्वल टू ई इंटू डी, तो लेकिन ऐसे हमें चलना चाहिए ना कॉन्सेप्ट को, जिस तरह से कि कैसे दोनों के बीच में जो रिलेशन अकर हो रहा है वो कैसे कहाँ से आया, तो हमें ये चीज़ याद रखना है, ये याद रखना है वी इक्वल टू इंटू डी याद नहीं रखना है, हमें ये याद रखना है कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं, बेसिक डिफरेंशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे मेजर होता है ना, और यहाँ पुटअप करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आता है पोटेंशियल डिफरेंस का रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इंटू डी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। अब एक बार जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया, मुझे पोटेंशियल के बारे में ये पोटेंशियल का फॉर्मूला पता चल गया, पोटेंशियल क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया, तो हम क्या कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, बोलो क्या हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। नाउ नाउ वी कैन फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑफ पैरेलल, अच्छा ये जो चल रहा है ना ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो इसको तुम देख सकते हो यूट्यूब में भी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
तो कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे बोलो, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है? कैपेसिटेंस इज क्यू डिवाइडेड बाय वी प्लस माइनस वी माइनस, यही होता है। तो अभी हमने क्या निकाला, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकाला हुआ है, ये हम निकाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस रो एस, ठीक है, सही है, एप्सिलॉन इनटू डी, सॉरी ये डी नीचे आ जाएगा ना, डी तो नीचे आ जाएगा, रो एस इनटू डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन ऊपर चला क्यू। नाउ व्हाट इज रो एस, रो एस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट इज क्यू, ऊपर में क्या आ जाएगा ए बी इंटू टी, तो क्यू क्यू कट गया ना, तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया, ए इज द एरिया, एफ साइन डिवाइडेड बाई डी। तो आई थिंक ये फार्मूला सबको याद होता होगा, कैपेसिटेंस ऑफ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाई ए एफ साइन इंटू टी, याद है ना सभी लोग को? ठीक है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी, द कैपेसिटेंस ऑफ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय दिस फार्मूला। इसे चाहो तो फर्दर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ए बी, एरिया की जगह में पुट अप कर सकते हैं ए बी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय डी, अंडरस्टूड है? चलो अब निकालते हैं अगला हेडिंग है फोर्स। देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पोटेंशियल आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, अब हम लोग बात करेंगे फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन वन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वन पैरेलल प्लेट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट, फोर्स ऑन वन पैरेलल प्लेट, फोर्स ऑन वन पैरेलल प्लेट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज अनदर प्लेट। ठीक है, चलो सपोज पर एक प्लेट है, ये तो हम शुरू से देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट है हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कंडीशन क्या है, एरिया शुड बी वेरी मच ग्रेटर देन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इतना डिस्टेंस नहीं होता है, बहुत बहुत कम डिस्टेंस होता है दोनों के बीच, एरिया काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है, ये तो दिखाने के लिए तुम लोग को दिखा रहे हैं ताकि समझो। चलो यहाँ पे बैटरी है और इस टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वल टू रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन इनटू एक्स के, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ज लाई कर रहे हैं इस फर्स्ट प्लेट पे वो पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, सपोज करो यहाँ पे क्यू चार्ज ऑलरेडी है, सपोज करो एक डी क्यू डिफरेंशियल चार्ज लेते हैं ना, डी क्यू डिफरेंशियल चार्ज लेते हैं, सपोज करो देर इज अ डिफरेंशियल चार्ज दैट इज डी क्यू, दैट इज द डी क्यू, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है,
कहीं भी ले लो, किसी भी पॉइंट पी पे बात कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आने वाला है रो एस डिवाइडेड बाई, अच्छा ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों प्लेट के द्वारा, हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन वन पैरेलल प्लेट, इस प्लेट के कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, इस प्लेट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज अनदर प्लेट। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज अगर है तो इस चार्ज के द्वारा है ना ये इस प्लेट पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसके लिए हमने क्या लिया, डिफरेंशियल चार्ज लिया, डिफरेंशियल चार्ज लिया दैट इज डी क्यू। तो ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्लेट के द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है किसी भी पॉइंट पी पे बोलो। परफेक्ट, रो एस डिवाइडेड बाई टू एप्स एन, सही है ए एक्स के। चलो तो इस डिफरेंशियल चार्ज पे, इस डिफरेंशियल चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा है ना, इस डिफरेंशियल चार्ज पे फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स एक्ट होता है तुम लोग एक्ट होता है किस फॉर्मूला से याद होगा, फोर्स इक्वल टू क्यू इन टू ई, पढ़े हो ना, किसी भी चार्ज पे अगर चार्ज जो है, मूव कर रहा है, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है ठीक है, तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो क्यू इन टू ई होता है, आई थिंक सो ये होता है ना, फोर्स इक्वल टू क्यू इन टू ई। तो ड्यू टू दिस डिफरेंशियल चार्ज, देयर शुड बी डिफरेंशियल फोर्स, होना चाहिए ना, देयर इज अ डी एफ, दैट इज द डी एफ, दिस विल बी इक्वल टू डी क्यू, एंड ई एक्सटर्नल, एंड हाउ मच ई एक्सटर्नल ड्यू टू वन प्लेट वन, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑन वन पैरेलल प्लेट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज अनदर प्लेट। सो व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू द वन पैरेलल प्लेट, ओनली वन प्लेट, बताओ। रोएस, डिवाइडेड बाई टू एफ सेट, सही है। चलो इतना क्लियर है ठीक है ना, अगर इतना क्लियर है, तो यहाँ रोएस की जगह में क्या पुट अप कर सकते हैं, रोएस की जगह में चार्ज अपॉन एरिया ये भी लिखा जा सकता है, हाँ क्यू बाई ए बी भी लिखा जा सकता है, ये भी सही है। तो चलो हमें तो फोर्स, चाहिए ना, ये तो डिफरेंशियल फोर्स है, टू द डिफरेंशियल चार्ज, तो इसे पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, अगर इसे इंटीग्रेट कर देंगे ठीक है तो कितना फोर्स एक्ट होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी एफ को, तो रो एस डिवाइडेड बाई टू एफ सेन, इसे बाहर कर लो, ये तो कांस्टेंट है, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू, तो रो एस डिवाइडेड बाई टू एफ सेन इन टू क्यू, दिस इज टोटल फोर्स, नेट फोर्स, सही है यहाँ तक क्लियर, दिस इज द टोटल फोर्स। चलो अब टोटल फोर्स जो आया है अगर इसको एक्सपेंड करें, थोड़ा सा एक्सपेंड करें आप, तो ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू रोएस को मिल सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाई टू ए बी एप्सिलॉन इन टू अगेन क्यू, कितना बन जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए बी, एप्सिलॉन, सही है। चल तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन वन पैरेलल प्लेट, दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए बी एप्सिलॉन, तो यहां तक कितने को समझ में आ गया,
कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करेंगे तो हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देन कैपेसिटेंस को कैसे निकालेंगे, एंड देन फाइनली फोर्स, कितना फोर्स एक्ट करेगा किसी भी एक पैरेलल प्लेट। आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा सब। ठीक है, इतना अगर क्लियर हुआ है तो आगे की बात करते हैं। तो एक बार समरी बना लें क्या, एक बार समरी बना दें कि याद रहेगा सबको, एक समरी बना देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, रो एस डिवाइडेड बाई इंटू ए एक्स के। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस वी प्लस माइनस वी माइनस इक्वल टू ए इंटू डी, दैट इज रो एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन ऑल इंटू डी, दैट इज दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यू डिवाइडेड बाई ए बी इंटू डी। सही है। थर्ड पॉइंट, कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू अपॉन वी प्लस माइनस वी माइनस इक्वल टू ए बी एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई टी, डिवाइडेड बाई टी। नाउ फोर्थ पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट इज फोर्स, फोर्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ए बी एप्सिलॉन। चलो सही है यहाँ तक। यहाँ पे ब्रेकडाउन की बात कर लेते हैं ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये अंडरस्टूड होगा कि कितना मैक्सिमम चार्ज दिया जाए, है ना, क्यू मैक्स। क्यू मैक्स वो चार्ज है जहाँ पे मेरा डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा, है ना। क्यू मैक्स वो अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है जहाँ पे डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन नहीं होगा। वी मैक्स वो मैक्सिमम वोल्टेज है, वो मैक्सिमम वोल्टेज है जहाँ पे डायलैक्ट्रिक ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो डायरेक्टिव ब्रेकडाउन में हमने देखा था कि डायरेक्टिव ब्रेकडाउन को अगर हमें करवाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें बढ़ाना पड़ेगा। अगर बाई सब मीन्स एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बहुत ज़्यादा कर दे तो डायरेक्टिव ब्रेकडाउन हो सकता है। क्लियर है ना, ये तो डायरेक्टिव ब्रेकडाउन हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आई थिंक टाइम भी हो गया है ना, तो उसको देखते हैं, कल देखते हैं, अगली क्लास में देखते हैं, टुमारो वी विल डिस्कस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज का सेशन एंड करें फिर।